क्या फिर दिखेगा योगी का दम, या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहंगी भरेंगी 2022 में हुंकार, या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। समाजवादी पार्टी के एक दांव से बरेली में कांग्रेस चक्कर खा गई है और भाजपा सत्ते में आ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश कुछ ज्यादा ही मंथन मनन के बाद बरेली की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाला नाम पूर्व मेयर सुप्रिया एरन का है। सुप्रिया एरन को कांग्रेस ने बरेली केंद्र सीट से अपना प्रत्याशी फाइनल किया था, मगर एंड वक्त पर सपा ने सुप्रिया के साथ उनके पति पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन को भी साइकिल की सवारी करा दी है। सुप्रिया बरेली केंद्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, तो प्रवीण सिंह एरन को बरेली शहर विधानसभा से उम्मीदवार बनाने पर भी सपा मुख्यालय में मंथन चल रहा है। बरेली में घोषित सपा के बाकी चुनावी लड़ाकों में भोजीपुरा सीट से पूर्व मंत्री सैजल इस्लाम, मीरगंज से पूर्व विधायक सुल्तान बेग, आमला से भाजपा छोड़ सपा में आए विधायक आर के शर्मा, बितरी से सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, फरीदपुर से पूर्व एमएलए विजयपाल सिंह के नाम शामिल हैं। नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवतसन गंगवार, बरेली शहर से राजेश अग्रवाल और बहेड़ी से पूर्व मंत्री अत्ताउर रहमान को पार्टी पहले ही उम्मीदवार के रूप में सिंबल दे चुकी है। खास बात यह है कि सपा ने बरेली में किसी नए चेहरे पर भरोसा नहीं जताया है, सबके सब टिकट पुराने चुनावी खिलाड़ियों को ही दिए गए हैं। सपा प्रत्याशियों में 8 चेहरे ऐसे हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं या फिर मंत्री। बितरी के रण में उतारे गए अगम मौर्य भी पिछला चुनाव आमला से लड़ चुके हैं। कांग्रेस के पास जिला बरेली में एरन दंपत्ती ही अकेले दमदार चुनावी चेहरे थे, और अप्रत्याशित घटनाक्रम में प्रवीण सुप्रिया के समाजवादी हो जाने से कांग्रेस लुटा और पिटा महसूस कर रही है। सपा की सूची ने सत्तारूढ़ भाजपा को भी टेंशन में ला दिया है, क्योंकि उसके कई मौजूदा विधायक जनता में नाराजगी के बाद भी भगवा कैंप से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं, और इसे लेकर पार्टी में अंदरखाने नाराजगी का आलम है। नमस्कार, आप देख रहे खबरची न्यूज, और बरेली में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बड़े चुनावी दाम से जुड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ मैं अनुरोध भारद्वाज। सपा ने बरेली केंद्र से पूर्व मेयर सुप्रिया एरन को प्रत्याशी बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो सुप्रिया एरन और उनके पति पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और दूसरा बड़ी बात यह है कि एरन दंपत्ति उस वैश्य समाज से आते हैं जिसे भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। सपा बरेली शहर और केंद्र की राजनीति में भाजपा के मुकाबले हमेशा से ही हाशिए पर रही है। प्रवीण सिंह एरन बरेली केंद्र सीट से विधायक रह चुके हैं और बरेली लोकसभा सीट से सांसद भी। 2009 के चुनाव में प्रवीण एरन ने कई बार के सांसद संतोष गंगवार को पराजित किया था। उनकी पत्नी सुप्रिया एरन भी बरेली महानगर की मेयर रह चुकी हैं। एरन दंपत्ति की हिंदू मुस्लिम दोनों ही तबकों में मजबूत पेठ मानी जाती है। ऐसे में बरेली केंद्र से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी सुप्रिया एरन को अपने पाले में खींचकर सपा ने कांग्रेस की फजीयत कर दी है, बल्कि सुप्रिया एरन के दांव से भाजपा कैंप भी हिल गया है। भाजपा ने बरेली केंद्र से संजीव अग्रवाल को चुनावी चेहरा बनाया है जो पार्टी के बड़े नेता हैं। मौजूदा हालत में संजीव का अब सीधा सीधा मुकाबला सपा की सुप्रिया एरन से होना तय है। सपा सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन के साइकिल पर सवार होने से अब पार्टी के रणनीतिकार बरेली शहर सीट से भी उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रहे हैं। सपा ने अभी शहर सीट से कई बार के पार्षद वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल को सिंबल दे रखा है। लखनऊ में हो रही चर्चाओं पर थोड़ा भी यकीन करें तो सपा अगर बरेली शहर से राजेश अग्रवाल का टिकट चेंज कर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन पर दांव लगाती है तो यह भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बरेली शहर से भाजपा ने मौजूदा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को फिर से मैदान में उतारा है। भोजीपुरा सीट से पूर्व मंत्री सैजल इस्लाम सपा की टिकट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में वह भाजपा के बहुरनलाल मौर्य से चुनाव हार गए थे। भाजपा अब की बार भोजीपुरा में बड़ी बगावत झेल रही है। दरअसल विधायक बहुरनलाल मौर्य को जनता में नाराजगी के बाद भी फिर से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने से टिकट के दूसरे प्रबल दावेदार योगेश पटेल बागी होकर बसपा से मैदान में कूद चुके हैं। उनके साथ दर्जनों ग्राम प्रधान, बीडीसी
सी व कई जिला पंचायत सदस्य भी भाजपा से बागी होकर योगेश पटेल का साथ निभाने की बातें कर रहे हैं। बहेड़ी में सपा ने पूर्व मंत्री अत्ताउर रहमान को फिर से टिकट दी है, जो पिछली बार चुनावी मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे थे। उस वक्त के नंबर दो चुनावी खिलाड़ी नसीम अहमद अब की बार चुनाव से पहले सपा में शामिल हो जरूर गए थे, मगर पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तवज्जो अत्ताउर रहमान को ही दी है। इससे नाराज नसीम अहमद बगावत की राह पर चल पड़े हैं और सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं कि सपा की धोखेबाजी के खिलाफ वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। मीरगंज सीट में युवा नेता एवं शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी की मजबूत दावेदारी पर पूर्व विधायक सुल्तान बेग को तरजीह देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। सुल्तान बेग का मुकाबला भाजपा विधायक डीसी वर्मा से होने जा रहा है। सपा ने बरेली की बितरी सीट से अपने मौजूदा जिलाध्यक्ष अगम मौर्या पर दांव लगाया है। अगम पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर आंवला से लड़े थे, मगर जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके थे। चुनाव हारने के बाद उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी और अखिलेश यादव ने उनको बरेली जिलाध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी थी। अब अखिलेश ने उन्हें बितरी में चुनाव लड़ने भेजा है, तो सपा के लिए नए जिलाध्यक्ष की खोज भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जिले में एक भी सीट पर यादवी चेहरा नहीं लड़ाए जाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी किसी यादव नेता को बरेली संगठन की कमान सौंपेगी। ये भी संभव है कि चुनाव के बीच बरेली में किसी को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया जाए। सपा ने फरीदपुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक विजयपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। फरीदपुर से समाजवादी नेता ब्रह्मसूर सागर भी टिकट के प्रमुख दावेदार थे, मगर दूसरी सीटों पर विधायक और पूर्व विधायकों के नाम तय होने की बीच यहां भी अखिलेश ने पूर्व एमएलए विजयपाल सिंह को टिकट थमाया है। विजयपाल का मुकाबला भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल से होना तय है। इसी तरह बरेली की आमला सीट से सपा ने भाजपा छोड़ साइकिल पर सवार हुए पंडित आर के शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। आर के शर्मा अभी बदायूं की बिलकी सीट से विधायक हैं। आमला से भाजपा की टिकट पर पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह मैदान में हैं, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विधायक आर के शर्मा को उतारा है। बरेली की नवाबगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने कद्दावर नेता भगवत गंगवार पर दांव लगाया है। भगवत गंगवार नवाबगंज से 5 बार विधायक और 2 बार मुलायम अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और रोहिलखंड का बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाते हैं। भगवत के सामने भाजपा ने पार्टी के नेता डॉक्टर एम पी आर्या को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से नवाबगंज ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा गंगवार चुनाव लड़ने जा रही हैं। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।